सामना लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली। देखते हैं आज की खास खबर। विधानसभा प्रत्याशी ने गर्भवती महिला के लिए किया रक्तदान। आपाजी ब्लड ग्रुप के रफत खान ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराजपुर निवासी 25 वर्षीय रश्मि रेखवार डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल में आई थी, जिसका हीमोग्लोबिन मात्र 5% ही था। एक यूनिट पति ने दे दिया था, लेकिन ब्लड की और आवश्यकता थी। रश्मि का पति ब्लड के लिए भटक रहा था। यह जानकारी जिला अस्पताल के ब्लड बैंक परिवार के द्वारा आपाजी ब्लड ग्रुप को दी गई। तब ग्रुप के प्रयास से मनोज अग्रवाल, मंजू नेता, जिन्होंने आपाजी ब्लड ग्रुप के माध्यम से रक्तदान करने की मंशा जाहिर की थी। वर्तमान में मनोज अग्रवाल छतरपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। सूचना देने पर आगे आकर गर्भवती महिला के लिए रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी रक्तदान कर चुका हूँ, मानव जीवन के लिए ये बहुत ज़रूरी है और रक्तदान से कोई हानि नहीं होती। मुझे आज एक मजबूर निर्धन परिवार के लिए रक्तदान करने में बड़ी खुशी हो रही है। मंजू नेता द्वारा निस्वार्थ रक्तदान की मदद करने पर महिला के परिजनों ने आभार व्यक्त किया। जी भैया, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार अग्रवाल और फिर मंजू नेता। मंजू जी, आज जो आप ये रक्तदान कर रही हैं, किसको दे रहे हैं? ये महाजपुर की गर्भवती महिला है और उनको ब्लड की अति आवश्यकता थी। मुझे जानकारी लगी कि उसको आवश्यकता, तो मैं यहाँ पर बड़े अस्पताल आया हूँ और ब्लड डोनेट के लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप रक्तदान कर रहे हैं? मैं तो अच्छा महसूस कर रहा हूँ और कई बार मैं ब्लड दान कर चुका हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे एक मानव जीवन के लिए ब्लड बहुत ही आवश्यकता, और ब्लड देने से कुछ घटता नहीं है, अपने आप एक नई स्फूर्ति बल्कि उत्पन्न होती है। तो मैं तो हमेशा तत्पर रहता हूँ। रक्तदान को लेकर आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? रक्तदान के लिए मैं ये समाज को संदेश देना चाहूँगा, हर व्यक्ति को, किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए रक्तदान देना आवश्यक है और उसमें आपको भी फायदा है। रक्तदान आप देंगे तो आपके अंदर नया ब्लड बनेगा, ब्लड तत्काल ही बन जाता है, कोई समय ज़्यादा नहीं लगता है, इससे कोई कमजोरी या कुछ भी महसूस नहीं होता है। आप जैसे ब्लड देंगे उसके बाद थोड़ा सा कॉफ़ी वॉपी या कुछ भी पी लेंगे, आपका बिल्कुल आराम। एक उम्र का, लेकिन उम्र के हिसाब से रहता है। ये एक नई उम्र के लड़के देंगे तो उसमें कुछ नहीं होता है ज़्यादा, मतलब 55 या 60 वाले देंगे तो उसमें थोड़ा हल्का सा कमजोरी महसूस होती है। बाकी रक्तदान अच्छा महादान है ये, मतलब एक जीवन अपने रक्त से अगर दूसरे की ज़िंदगी बचाई जा सके तो इससे बड़ा पुण्य नहीं है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।